उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं प्रवासियों के आगमन से गांव में भी कोरोना केस बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज मंगलवार को फिर से गोगुंदा क्षेत्र में कोरोना के 21 नए संक्रमित मिले, जिसमें आम जन का भय का माहौल बनता जा रहा है। गोगुंदा में एक डॉक्टर सहित आसपास के गांव में कुल 21 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। गोगुंदा ब्लॉक प्रभारी डॉक्टर ओपी रायपुरिया ने बताया कि सोमवार को कोरोना जांच शिविर में कुल 92 लोगों की जांच सैंपल लिए गए थे, जिसमें गोगुंदा स्वास्थ्य केंद्र पर 77 व सायरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 15 लोगों की सैंपलिंग हुई थी। उन्होंने बताया कि सभी को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसी को देखते हुए उपखंड अधिकारी ने सोमवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें बाहर से आ रहे प्रवासियों का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, जिसमें उनके सारे डिटेल्स मौजूद होंगे और अलग अलग चेक पोस्ट बनाए गए हैं। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए निम्न स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित कर क्षेत्र से बाहर जैसे सूरत, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात आदि से आने वाले ट्रैवल्स को रुकवाकर सभी यात्रियों की सूचना प्राप्त करके उनका रजिस्टर संधारित करके 100% मेडिकल चेकअप कर सुनिश्चित करना है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गोगुंदा पंचायत समिति में दोली घाटी में चेक पोस्ट बने तथा इसी के साथ सायरा में मगा, सिंगाड़ा में तथा सदा नियर होटल बानपुरा, कुंबलगढ़ रोड बरवाड़ा और निश्मा रोड जसवंतगढ़ में भी अब चेक पोस्ट स्थापित होंगे, जिसमें यात्रियों के सारे मेडिकल चेकअप होंगे।